फाइनली ये अपडेट निकल कर आया है कि टीवीएस अपाची आरटीआर 204B के अंदर बहुत सारे अपडेट एंड अपग्रेडेशन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि आज के डेट पे ना अगर कोई 200 सेगमेंट की बाइक लेना चाहता है उनके पास दो ऑप्शन होता है 1,80,000 के अंदर, बजाज पल्सर NS200, दूसरा होता है टीवीएस अपाची आरटीआर 204B। बट जब से NS200 के ऊपर अपडेट आया है तब से टीवीएस अपाची आरटीआर 204B की सेल बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है। क्योंकि सेम प्राइस रेंज के अंदर आपको NS200 मिल रहा है जहाँ पर यूएसटी सस्पेंड एंड ड्यूल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है, वहीं पर टीवीएस अपाची आरटीआर 204B बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की अगर बात किया जाए, पावर की अगर बात किया जाए, वो भी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू NS200। इसी के कारण टीवीएस ने अपनी बाइक के ऊपर बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रहा है। इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट टीवीएस की अपकमिंग पर लगा है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा लिंक, मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखा है कौन कौन सी बाइक अपकमिंग पर है। लाल अभी बात किया जाए टीवीएस अपाची आरटीआर 204B की अपडेट एंड चेंजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा लुक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टीवीएस की बाइक पसंद आता है या पर NS पसंद आता है। टीवीएस की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा पीछे इसलिए रह रहा है क्योंकि आज के डेट पे ना जितनी भी बाइक्स इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे रिलॉन्च किया जा रहा है वो 160 सेगमेंट की हो या पर 200 सेगमेंट की, फ्रंट पर आपको यूएसटी सस्पेंशन डेफिनेटली नजर आ जाएगा। जैसे कि हीरो एक्सट्रीम 160R पर बहुत ही कम प्राइस के अंदर भी आपको यूएसटी सस्पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी कंपैरिजन में भी आपको टीवीएस अपाची आरटीआर 204B के अंदर सस्पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी एक 200 सेगमेंट की बाइक के अंदर। तो इसलिए टीवीएस की बाइक की सेल आज के डेट पे थोड़ा सा डाउन हो चुका है क्योंकि यूएसटी सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, लुक्स वाइज इवन कंफर्ट वाइज भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो फर्स्ट अपडेट इनमें यही चाहिए, फ्रंट पर यूएसटी सस्पेंशन होना चाहिए। दूसरा अपडेट के बारे में अगर बात किया जाए तो वो है पावर एंड इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। सेम प्राइस रेंज के अंदर ना आपको बजाज पल्सर NS200 मिलता है जहाँ पर सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल वे 6-speed गियरबॉक्स वाला इंजन देखने को मिल जाता है। बट वही पर टीवीएस के अंदर आपको सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve तो मिलता है बट इनमें ना आप 5-speed गियरबॉक्स एंड ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाता है, यही पर टीवीएस बाइक पीछे रहता है। अब पावर के बारे में अगर बात किया जाए तो बजाज पल्सर NS200 के अंदर लगभग आपको 24.5 BHP पावर देखने को मिल जाता है, वही पर आपको दोस्तों टीवीएस के अंदर लगभग आपको दोस्तों 20.82 BHP पावर देखने को मिल जाता है, मतलब लगभग 4.5 BHP पावर की यहाँ पर डिफरेंट आप लोग नोटिस कर सकते हो। डिफरेंट बहुत ज्यादा होता है टॉप स्पीड के लिए, हाईवे राइड के लिए, यानी कि इस बाइक के अंदर 6-speed गियरबॉक्स, लिक्विड कूलिंग के ऑप्शन एंड थोड़ा सा पावर में भी इंक्रीज कराना होगा तब जाके ये NS200 से कम्पीट कर पाएगा। दोस्तों फ्रंट डिस्प्ले की अगर बात किया जाए तो टीवीएस की फ्रंट डिस्प्ले 270mm के साथ आता है, वहीं पर बजाज पल्सर NS200 की जो फ्रंट डिस्प्ले है ना वो 300mm की ब्रॉड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है एंड दिखने में भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगता है। इवन ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात किया जाए वो आपको बेहतर NS के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि भाई बाइक के अंदर ना आपको ड्यूल चैनल ईवीएस के साथ साथ 300mm की डिस्प्ले यूज किया गया है जिसके कारण NS के अंदर ब्रेकिंग बेहतर देखने को मिल जाता है। वहीं पर टीवीएस के अंदर ड्यूल चैनल ईवीएस का ऑप्शन तो मिलता है बट इस बाइक के अंदर 270mm की फ्रंट डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर भी अपडेट की जरूरत है। इस बाइक के अंदर अगर 300mm की डिस्प्ले आ जाता है NS से कम्पीट कर पाएगा। टीवीएस के अंदर आपको सिर्फ नेगेटिव चीजें मिलता है, सिर्फ यही नहीं आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव भी चीजें मिलता है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स बहुत ही अच्छा है। इवन इसकी जो मीटर कंसोल है ना यहाँ पर फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल यूज किया गया है जहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलता ही है, ऊपर से आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स, ब्लूटूथ नेविगेशन का ऑप्शन, इवन इस प्राइस रेंज के अंदर 200 सेगमेंट के अंदर आपको 3 मोड्स दिया गया है, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड, जो आपको दूसरे सेगमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इवन इस बाइक के अंदर ना जो स्लीपर क्लच भी ऑप्शन के साथ ही आता है दोस्तों, इवन यहाँ पर आपको दोस्तों जो क्लच है एंड जो ब्रेक लीवर है वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है जो NS200 के अंदर भी नहीं आता दोस्तों। तो आज का वीडियो बस यही तक था, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके डेफिनेटली बताना आप टीवीएस के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।